स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंग और कॉम्बिनेशन लॉजिक, और अगर इसके बाद जो आपके दो टॉपिक्स बचते हैं वो होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट और मेमोरी, जिसको आपको यूट्यूब से डायरेक्टली देखना पड़ेगा मेरा लेक्चर। तो सबसे पहले डिजिटल लॉजिक में बेसिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स होते हैं, तो लॉजिक गेट्स में कौन कौन से गेट आते हैं, एंड आता है, और आता है, नॉट आता है, ये बेसिक गेट्स होते हैं। और इसके रिस्पेक्ट भी थोड़ा सा यूनिवर्सल गेट या एक्स्ट्रा गेट की बात करें तो नैंड गेट, नॉर और एक्सॉर जो होते हैं। तो लॉजिक गेट्स किसके, ट्रांजिस्टर्स के बने होते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बताएंगे कि कितना कौन सा गेट कितने ट्रांजिस्टर का यूज करता है। तो ये मेन कोर है कि ट्रांजिस्टर आर द फंडामेंटल डिवाइसेस, कि अगर हम जो i7 प्रोसेसर परचेज करते हैं मार्केट से आके तो उसमें इतने ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं आप देखिए। और IBM Z3 का है वो इतने ट्रांजिस्टर्स यूज करता है। तो आप कितने सोचिए कि ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो बिल्कुल नैनो लेवल का है, क्योंकि जो हैश बेल आर्किटेक्चर में i7 प्रोसेसर जो आता है वो एक क्रैक जैक के बिस्किट के बराबर मान लीजिए आप। इतने से आईसी में इतने सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं इसका। तो ये हमने टेबल से शो कर रखा है कि कौन से जो लॉजिक गेट्स हैं या आईसीज हैं जहां पे हम ट्रांजिस्टर कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो नॉट गेट में हम दो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, बफर में फोर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, नैंड गेट अगर टू इनपुट वाला है तो फोर ट्रांजिस्टर यूज करेंगे। तो ये सारे हमने दिखा रखे हैं कि अगर हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं तो 3000 जो ट्रांजिस्टर हैं उनका हम यूज करते हैं। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है, सबने पढ़ रखी है कि एंड गेट क्या, टू टेबल क्या होता है, कि अगर दोनों वैल्यूज हाई होंगी तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। और गेट में क्या होगा कि अगर एक भी वैल्यू हाई होगी, वन होगी, तो आउटपुट आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और नॉट गेट क्या है कि जो भी वैल्यूज आप एज ए इनपुट दोगे उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू आपको एज ए आउटपुट मिलेगी। तो दिस इज द जो ये आउटपुट वाली टर्म्स है जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इस चीज को हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं, जो इसकी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन को रिजॉल्व करते हैं बॉट मास रूल से, वैसे ही अगर हम यहाँ पे रिजॉल्व करें कोई इक्वेशन को, तो सबसे पहले जो प्रीसीडेंस लेबल होगा वो नॉट गेट का है, फिर एंड गेट है, फिर और गेट है। एंड के सबसे पहले हम नॉट गेट की इक्वेशन को रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद एंड की फंक्शनैलिटी को रिजॉल्व करते हैं, देन और गेट की फंक्शनैलिटी को रिजॉल्व किया जाता है। उसके बाद ये स्पेशल गेट्स होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, इन्हें यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। इनकी हेल्प से हम अदर गेट्स भी डिजाइन कर सकते हैं। तो नैंड में क्या होता है, नॉट का और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, ये इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। और में भी सिमिलरली कि नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन होगा, और एक्सोर क्या है, एक्सक्लूसिव और होता है, और नैंड और नॉर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अदर यूनिवर्सल गेट्स बना, अदर गेट्स जो बेसिक गेट हैं उन्हें हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये ट्रुथ टेबल हमने यहाँ डिफाइन कर रखी है। तो नैंडी में यही होगा कि भाई अगर जो एंड गेट की थी उसका हम एक बार अगर कंप्लीमेंट ले लें तो हमें नैंड गेट की टू टेबल यानी कि फंक्शनैलिटी पता लग जाएगी। सिमिलरली नॉर में और गेट का हम कंप्लीमेंट ले लें टू टेबल का, तो हमें नॉर गेट की जो फंक्शनैलिटी है उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। एक्सॉर में जो होता है कि अगर एक भी वैल्यूज हमारी, अगर दोनों सेम वैल्यूज मिल रही है तो हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ये रहता है एक्सॉर में। तो ये डिजाइनिंग है, ये आपको पता है कैसे डिजाइनिंग है, ये आपको पता है कैसे, ये आपको पता है कैसे, ये आपको पता है कैसे, ये आपको ये आईसीज के बारे में बताया गया है कि कौन सी आईसी किस काम के लिए, 7432 एंड गेट की आईसी है। इस ढंग से ये आईसीज का हमने बता रखा है, इसको हम स्किप करेंगे। सबसे पहले कि लॉजिक फंक्शन से होते हैं वो कैसे बनते हैं, कि पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल से हम उसकी को लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं, इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन आइडेंटिफाई करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ बना रखा है कि हमने एक थ्री इनपुट कोई फंक्शन लिया, उसके रिस्पेक्टिवली जो उसके फीचर्स हैं वो एफ में हमने शो कर रखे हैं, कि जो वन वैल्यूज आ रही है एफ में वो आ रही है कि जब ए की वैल्यू जीरो है, वी की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू
वन है, यानी कि फोर्थ जो हमारी रो है उस पर वैल्यूज वन आ रही है, और नेक्स्ट सिक्स्थ वाली पे 101 पे वन आ रही है, 6, 7, 8 तीनों पे वैल्यूज वन आ रही हैं, तो जहां वन है उसी को हम कंसीडर करते हैं, उसके रिस्पेक्टिवली हम लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, एक होता है बूलियन एलजेब्रा वाला मेथड, और सेकेंड जो होता है वो के मैप मेथड होता है, जिससे हम ये मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारा कैलकुलेट होके आया, उस लॉजिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से को देख के हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं। तो ये डिजाइनिंग प्रोसेस होती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दे रखी है, उसके रिस्पेक्टिवली इनपुट आपको डिफाइन है, उन इनपुट के बेसिस पे आपको आउटपुट कैसे निकालने हैं वो डिफाइन है, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि कितने इनपुट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है और कितने आउटपुट वेरिएबल होंगे। तो सबसे पहली स्टेप यही रहेगी स्पेसिफिकेशन में कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लो कि इनपुट वैल्यूज कितनी है और आउटपुट वैल्यूज कितनी है, इनकी मैपिंग आप अगर कर लोगे तो फिर आप ट्रूथ टेबल डिजाइन करना स्टार्ट करोगे सेकंड टाइप में, और उसमें जो भी आप वैल्यूज दोगे तो 1010 के फॉर्म में आप दोगे और उसके रिस्पेक्टिवली आप आउटपुट वैल्यूज निकाल लोगे। जब आउटपुट वैल्यूज निकाल ली, आउटपुट वैल्यू निकालने के बाद आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए हमने अभी बताया कि दो टाइप के मेथड हम कैलकुलेट करते हैं, तो पहला मेथड क्या है, बूलियन अलजेब्रा का है, सेकंड के मैप का है। उसके अलावा अदर मेथड होते हैं कि जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे इनपुट में बढ़ते जाएंगे और हम डिफरेंट मेथड पे जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में यूज होते हैं और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में भी यूज होते हैं, वो अदर मेथड है, उनको भी हम नाम तो बता ही देंगे एटलीस्ट उनका। फिर उनके बाद में हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया, अब उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। अब मिनिमाइज क्यों करते हैं, मिनिमाइज इसलिए करते हैं कि हम सर्किट छोटा बनाना चाहते हैं, तो छोटा बनाने के लिए हमें क्या कि नंबर ऑफ गेट्स जो होने चाहिए वो कम होने चाहिए, दूसरा कि नंबर ऑफ जो इनपुट सप्लाई है वो भी कम होनी चाहिए, तो दोनों को कम करने के लिए हम उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को स्मॉल करते हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हो जाता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन क्या कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हमें उन लॉजिक गेट्स को रिप्रेजेंट करना है, लगाना है इसी में, तो ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट होता है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन दो टाइप से हम निकालते हैं, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट पहले करें और जो प्रोडक्ट होने के बाद में जो वैल्यूज मिली उनको कंबाइन कर दें एडिशन के थ्रू। प्रोडक्ट ऑफ सम में पहले सम होगा, उसके बाद जो भी लिटरल्स बने जो कंपोनेंट्स बन के आए उनके बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दो तरीके हमारे पास हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के। सिंप्लीफाई करने के लिए नॉर्मली हम दो टाइप के मेथड यूज करते हैं, एक बूलियन एलजेब्रा वाला मेथड होता है जिन्हें हम बूलियन लॉग की हेल्प से डिजाइन करते हैं, दूसरा के मैप होता है। तो बूलियन वाले में क्या है कि जितनी ज़्यादा इक्वेशन आपको याद होंगी, जितने ज़्यादा आप आसानी से उसे कर सकते हो, तो वो आपको माइंड लेवल यानी कि आईक्यू आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है उसमें। उसमें क्या है कभी कभी आप मिनिमाइज कर भी पाते हो और कभी कभी मिनिमाइज नहीं भी कर पाते हो, लेकिन आपको लगता है कि हाँ मिनिमाइज हो गया, तो ये थोड़ा सा इशू रहता है बूलियन एलजेब्रा में। फिर नेक्स्ट हम के मेथड पे आए, के मेथड में दिक्कत जब आती है कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है